तो चलिए जी, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा होगा या सेमिस्टर जो देते हैं आप लोग, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, आप एक चीज बताइए, फर्स्ट सेमिस्टर में एक पेपर में आपका बैक लग गया, तो क्या ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट सेमिस्टर से सेकंड सेमिस्टर में जाने के लिए रोका जाता है? नहीं, वो बैक क्लियर करते रहोगे बट यू गेट प्रोमोटेड टू सेकंड सेमिस्टर। और ऐसे नहीं कि सेकंड सेमिस्टर में आप लोग उस बैक पेपर को अपीयर करोगे, फर्स्ट सेमिस्टर में अगर बैक लगा है तो वो थर्ड सेमिस्टर में अपीयर होता है, और थर्ड सेमिस्टर में अगर आपने क्लियर नहीं कर पाया तो वो फोर्थ में नहीं, फिफ्थ सेमिस्टर में एग्जामिनेशन दोगे। ऐसे कर करके आपका बैक जो है वो क्लियर किया जाता है। सो ऑड सेमिस्टर वाले ऑड सेमिस्टर पे देते हैं, इवन सेमिस्टर वाले इवन सेमिस्टर पे देते हैं। अब इसके बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? अब इसलिए क्योंकि जब भी वैकेंसीज आता है, इस वीडियो के बाद तो आप लोगों की जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि दो प्रकार की वैकेंसीज होती है, एक तो होता है करंट वैकेंसीज और दूसरा होता है आपका बैकलॉग वैकेंसीज। करंट वैकेंसीज को रेगुलर वैकेंसीज भी कहा जाता है। 99% लोगों को बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में ख्याल नहीं होगा। अब इसके बारे में मैं 2 मिनट में निपटा दूंगा, बता दूंगा आपको कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गो कोरोना कोड यूज करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बिकॉज अभी आपका टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो चुका है, यानी ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड कर रखा है। 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला आपको करना ही है ताकि आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स निकाल सके। मेंस के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ऑफिस मेमोरेंडम 6 नवंबर 2003 का हमने लिया हुआ है, ठीक है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये जारी हुआ है, और मैं आपको बड़े क्लियर तौर पे समझा देता हूं। करंट वैकेंसीज या रेगुलर वैकेंसीज पे आपका तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन बैकलॉग वैकेंसीज जो होता है वो हमेशा सिर्फ रिजर्वेशन के लिए ही होता है, यानी ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए ही होता है। एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए ही बैकलॉग वैकेंसीज रिलीज किया जाता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, अब ये आता क्यों है, मैं आपको ये बता, एक कॉमन सा एक सिनारियो बता देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए आपके स्टेट में एससी कैटेगरी के लिए 50 वैकेंसीज आया, ठीक है? और 50 वैकेंसीज आया मतलब क्या, 50 को फिल करना ही है, लेकिन ये देखा गया कि 50 कैंडिडेट्स ही अवेलेबल नहीं है। ये आपको एक सिनारियो बता रहा हूं मैं, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं आपको, होता भी है, ऐसा होता है। मान लीजिए 50 कैंडिडेट्स ही अवेलेबल नहीं है, और मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद भी ये इस जरिए से फिलअप हो ही नहीं पा रहा है, तो वो वैकेंसी यानी एससी वाला जो वैकेंसी है, आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सर एसटी वाले जो हैं वहां से, अगर मान लीजिए एसटी वालों के लिए 20 वैकेंसीज आया है लेकिन वहां पे 500 लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 20 तो फिलअप हो गया, तो बाकी जो एसटी वाले हैं इनको क्या हम एससी कैटेगरी के जरिए इनको फिलअप करा देंगे? नहीं, ये डी रिजर्वेशन का जो चीज होता है ये मैक्सिमम एग्जामिनेशन में होता ही नहीं, और ये प्रोविजन में लिखा गया है ऐसा अलाउ नहीं है, अनलेस एंड अंटिल ये स्पेशल केस हो। स्पेशल केस उसके बारे में भी जिक्र हुआ है, मैं ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? वो स्पेशल केस क्या है मैं आपको बता देता हूं, वो स्पेशल केस ये है दोस्तों, जैसे कि कोई पोस्ट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में, उसको तो वैकेंट कर ही नहीं सकते, राइट? उसको फिलअप करना ही है, तो फिर उसमें जो है एक क्लॉज लिखा गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, तो शायद आप लोग समझ गए। यानी एससी का पोस्ट का जो फिल अगर हो नहीं पा रहा है तो एसटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वहां से उठा के एससी में नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार की जो शफलिंग है ये नहीं होता है, ये अलाउ नहीं किया जाता है, राइट? अच्छा, अब एक बात बोलिए, 50 वैकेंसीज आया था, किसी कारणवश 50 वैकेंसीज फिल नहीं हो पाया, अब होगा क्या? अब ये होगा दोस्तों कि इन लोग को कहा जाएगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है, एज सून एज पॉसिबल, यहां पे लिखा गया एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, इसको फिल कर देना चाहिए। और अगर
उस वक्त तब भी अवेलेबल नहीं हुआ तो ये बैकलॉग वैकेंसीज कैरी ओवर होता रहता है। यानी मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन में 100 बैकलॉग वैकेंसीज आया है तो समझ जाइए कि पिछले रिक्रूटमेंट में 100 लोगों का फिल नहीं हो पाया, राइट। और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, अगर सफिशियंट कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है और किसी कारणवश अगर हो नहीं पाया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तब जाके ये बैकलॉग वैकेंसीज निकाला जाता है। आई थिंक ये बहुत अच्छे तरीके से इस पीडीएफ में, ऑफिस मेमोरेंडम में इन्होंने जारी करके दिए रखा है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट को अगर पढ़ेंगे तब जाके आप सभी को समझ में आएगा कि इसमें बोला क्या गया है। आई होप कि मैंने आपकी मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर दिया है और आई बिलीव कि आप लोग डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, पहली दफ़ा देख रहे हैं तो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, फिलहाल के तो हमारा मोबाइल गिर गया है, इसको उठाना है, देखना है कि कुछ हो ना गया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये क्वेरीज कहाँ आता है, इंस्टाग्राम में ही आता है, आप लोग भी पूछते हो तो मैंने बोला कि चलो इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इस पे किसी ने भी डाउट क्लियर जो है नहीं करवाया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब बखैर, लव यू, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमस्कार।